सो हाय एवरीवन, तो फ्रेंड्स आपने बहुत सारी ऐसी सब्जियां खाई होंगी जो हाई प्रोटीन रिच हैं, या बहुत सारी सैलेड खाई होंगी जिसमें बहुत आपको प्रोटीन मिलता है। क्या आपने ऐसी चटनी खाई है जिसमें आपको बहुत सारा प्रोटीन मिलता है? नहीं खाई तो मेरे साथ बने रही इस वीडियो में, मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्रोटीन रिच चटनी धनिया पुदीने की। तो लेट्स सी द रेसिपी। सो यहाँ पर मैंने लिए हैं, जिनको मैंने दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लिया, धनिया पुदीना और बबरी, आई डोंट नो आप लोग उसे क्या बोलते हो, थोड़े से करी पत्ता। इन चारों को मैंने अच्छे से धो के पानी में रखा हुआ है थोड़ी देर से ताकि इनकी डस्ट निकल जाए। तो इनको मैं डालने वाली हूँ मिक्सर जार में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे बनाने वाली। तो फ्रेंड जैसे कि आपको मैंने बताया, मैंने यहाँ पर धनिया पुदीना और बबरी और थोड़े से करी पत्ता धो के अच्छे से वॉश कर लिए हैं और इनको मैं डाल रही हूँ मिक्सर जार में। और इसके बाद क्या ऐड करना है, जो नॉर्मली हम ऐड करते हैं सब लोग, आप इसमें प्याज टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली, कच्ची मूंगफली है, और थोड़े से सेसमी सीड, तिल के तेल, तिल के तेल जिससे प्रोटीन रिच हो जाएगी। और हम क्या ऐड करते हैं, थोड़ा सा अदरक, अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च, और इसमें हम ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस जिससे बन जाएगी चटपटी। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, और इसके साथ साथ भुना हुआ जीरा, और यहाँ पे है काली मिर्च। तो फ्रेंड्स इसके चटनी के आपके बहुत फायदे हैं, ये आपके डाइजेशन को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है आपका। अगर हाजमा अच्छा नहीं रहता, आपको डकार आती है या गैस एसिडिटी बनती है, तो इसमें पुदीना है, धनिया है, करी पत्ता है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके डाइजेशन में। तो इस तरह से चटनी बन चुकी है, लेकिन एक इंग्रेडिएंट रह गया है और वो है नींबू। तो इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करने वाली हूँ। कुछ लोग इसमें दही भी डालते हैं, कुछ लोग टमाटर डालते हैं, तो आपको जैसे भी बेटर लगे आप यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट, आप इसको मिक्सर में घुमाइए और आपकी चटनी रेडी है। अगर पानी की नीड है तो आप थोड़ा सा दो तीन चम्मच आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इट्स डन। तो लेट मी, तो फ्रेंड्स इसको हम घुमाएंगे और चटनी रेडी है, देख सकते हैं टेंटन है। तो फ्रेंड्स इसको हम अपने बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे, आप इसको कटोरी में निकाल लीजिए। बहुत ही यमी बनी है, मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने प्रोटीन और फाइबर है, क्योंकि इसमें हमने मूंगफली और मतलब तिल ऐड किए हैं, तो इसमें हेल्दी फैट्स भी हैं और काफ़ी यमी लगते हैं। और इसको आपको आप किसी भी नो मील में ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में, डिनर में, किसी में भी ले सकते हैं। बट मैं इसको आज किस लिए यूज़ कर रही हूँ वो एक सीक्रेट है। आप बाहर थंबनेल आपने देखा होगा तो आपने सोचा होगा यार हमारा पागल बना रही है, बाहर कुछ और दिखाया अंदर चटनी बना रही है। तो हैव पेशेंस, लेट मी शो यू मैं क्या बना रही हूँ। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो आपने बाहर देखा है वो बिल्कुल सही देखा है। आज हम बना रहे हैं प्रोटीन एंड फाइबर रिच राजमा सैलेड, टेंटन है। तो बहुत इजी है, जैसे आप चना सैलेड बनाते हैं उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। जो भी घर पर आपके पास रखा है खीरा, प्याज, टमाटर, उसको आप यूज़ कीजिए। और चाट रेडी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने ये लिया है क्यूक्यूम्बर, इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। जो जो वेजिटेबल्स आप लेना चाहते हैं, चुकंदर है, बीटरूट है, कैरेट है, आप देख सकते हैं चुटकी बजाते ही हो गया, नहीं चुटकी बजाते नहीं होता, इस वीडियो में होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत गंद होता है। तो ये देखिए वेजिटेबल्स रेडी हैं, हमने कट कर लिया, चॉप कर लिया, और इन सबको हम एक बॉल में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये देखिए इसको हम बॉल में डाल रहे हैं। तो फ्रेंड जो भी आप वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं, आप खीरा अच्छा लगता है तो खीरा ज़्यादा डाल लीजिए, आप चुकंदर नहीं खाते तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट अच्छा रहता है, आपको काफ़ी सपोर्ट देता है, फुलनेस की फीलिंग रहती है, आप उसको भी जरूर ऐड कीजिए। और इसके साथ हमने इसमें डाले हैं किडनी बीन्स, राजमा डाला है, स्पाइसेस ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे राजमा सूट नहीं करता है, गैस एसिडिटी बनती है, तो आप राजमा की क्वांटिटी को थोड़ा सा रख के वेजिटेबल्स को ज़्यादा ऐड कर दीजिए, तो आपको फाइबर ज़्यादा मिलेगा, तो वो भी अच्छा रहता है आपके लिए। कुछ लोग इसमें पीनट्स भी ऐड करते हैं रोस्ट किया हुआ, कुछ लोग इसमें पनीर भी ऐड करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है हीरो ऑफ द रेसिपी, हमारी चटपटी प्रोटीन रिच चटनी। तो फ्रेंड्स ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें ऐड किए हैं, बहुत ही यमी टेस्ट आता है गाइस। जो इसमें पुदीने का और करी पत्ते का जो इसमें फ्रेगनेंस और फ्लेवर आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मार्केट में भी आपने ऐसी चाट नहीं खाई होगी। फ्रेंड्स बहुत यमी बनती है, आप ट्राई कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर इसकी पिक भेजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो जितना आप खाना चाहें कोशिश कीजिए कि पोर्शन कंट्रोल करके खाइए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत चटपटी होती है, तो मजे मजे में ना बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो अपना ध्यान रखिए कि पोर्शन कंट्रोल करके आपको खाना है। और यहाँ पर हमने लिया हरा भरा धनिया जिससे हम इसकी करने वाले हैं गार्निश। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बना है प्रोटीन रिच सैलेड विद ग्रीन चटनी। आई नो टेस्टी बना होगा क्योंकि काफी मेहनत की है गाइस, इट्स यम्मी। अभी जरूर ट्राई कीजिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, और इस तरह की रेसिपीज खाकर अपना वेट कम करना है, मैसेज मी, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।